बंसी बंसी क्या बात है मालिक? बंसी मैं पूछता हूँ वो रात रात भर कहीं एक कॉन्फ्रेंस में गए हैं। न्यू कॉन्फ्रेंस बहुत ही खराब हो गई है। बहुत अच्छी है सरकार, मुझे तो छोटे सरकार में कोई ऐब दिखाई नहीं देता। अरे कभी आदत अच्छी कभी आदत बुरी, तू पागल तो नहीं हो गया? मैं उसे सरकारी नौकरी दिलाना चाहता हूँ और वो गाने बजाने में वक्त बर्बाद कर रहा है, क्या ये अच्छी बात है? नहीं मालिक, ये बात तो बहुत बड़ी है। अच्छी बिल्कुल होना चाहिए। आज तेरा सर तो नहीं फिर गया? सर नहीं फिरा मालिक, समय फिर गया है बस, और कुछ नहीं कह सकता। अबे तूने सिगरेट भी पीना शुरू कर दिया? मैं और सिगरेट? सरकार नहीं नहीं। ओ जूते तो पहन लो। पिताजी बात। अशोक मैं 18 साल से तुम्हारी खिदमत कर रहा हूँ, तुम मेरी खिदमत कब करोगे बेटा? मुझे खुद भी इसका ख्याल है पिताजी, लेकिन क्या करूँ, कॉलेज में डिग्रियाँ मिलती है नौकरी नहीं मिलती। अब आपके कहने से पोस्टमास्टर जनरल को भी दरख्वास्त की, कई महीने ट्रेनिंग में भी जाया किए, नौकरी नहीं मिलती पिताजी, तो अब क्या करूँ मैं? तुम्हारी नौकरी की भैया ये लो, तुम्हें काली पोस्टमास्टर बनकर मधुबन जाना है। मधुबन? हाँ, वहाँ मेरे एक बहुत पुराने दोस्त भी रहते हैं, बाबू जमुना दास। चिट्ठी लेते जाना, किसी बात की तकलीफ ना होगी। मेरा दिल मुझको जवानी राम कसम ना भाए, बचपन याद आए ओ बचपन याद आए। धड़के मेरा दिल मुझको जवानी राम कसम ना भाए, बचपन याद आए ओ बचपन याद आए। मेरा दिल मुझको जवानी राम कसम ना भा।
अरे तू खेल कूद ही में लगी रहेगी या कोई काम वाम भी करेगी? करूंगी बाबू, करूंगी। आज अपने नयक बाबू आने वाले हैं, मैं उनको स्टेशन लेने जा रहा हूँ। तू जरा क्वार्टर की जाके साफ सफाई कर दे। हो, तुम जाओ, मैं क्वार्टर को दुल्हन बना दूंगी, दुल्हन। बाबू शरीर है। बाबू जी, वो रहा पोस्ट ऑफिस और ये रहा आपका क्वार्टर। आप मेरा मतलब है हमारे मैं एक मुसाफिर। क्या मुसाफिर? मुसाफिर मुसाफिर हो तो कहीं और जाओ बाबा, ये डाकघर धर्मशाला नहीं, क्या समझे? तो क्या हुआ? अरे रात भर यहाँ पड़ा रहे हैं तो सुबह अपने नाश्ता वाश्ता करके ध्यान से यहाँ चला जाऊँ। और क्या, बड़े अड़ियल मालूम होते हो जी, कह जो दिया ये धर्मशाला नहीं है। ए, ए, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और रास्ता नापो, आज हमारे नए डाक बाबू आने वाले। आने तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हम आराम से पलंग पे सो रहेंगे, डाक बाबू यहीं कहीं चटाई वटाई डाल के पड़ रहेंगे। डाक बाबू का क्या? अच्छा हाँ, और क्या, मुंह देखा है अपना? हाँ देखा है। ये पलंग पर सोएंगे और डाक बाबू चटाई पर सोएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, क्या हुआ, मैं अभी बताती हूँ। बेला। हाँ बाबू। आप हमारे नए डाक बाबू है ना? बात तो कुछ ऐसी है साहब, न जाने पगली को कब समझ आएगी। हाथ जोड़कर माफी मांग बाबूजी से, वो तो अभी बक्से में बंद कर देंगे। शरीर कहीं की, ये मेरी लड़की है बाबूजी, जरा मिजाज की तेज है। बेला जी, तू जल्दी से जाके चाय ले आ बाबूजी के लिए। चलिए बाबू है, चलिए। न जाने क्या खाती है, मेरे तो इंजर पिंजर ढीले कर दिए। अरे वाह, तो लाल साहब बनी रास्ते में क्यों खड़ी थी? क्यों, आज कोई नई बात? अरे हाँ, आज हमारे नए डाक बाबू आए हैं ना। आए हैं तो तुझे क्या, इतनी बड़ी तो दाढ़ी होगी उनकी। चुप, दाढ़ी नहीं, उनका चेहरा तो गांव के घी से भी ज्यादा चिकना है। तो बड़ी बड़ी मूछें होंगी। वो मूछों का गुच्छा नहीं रखते। चलो उनके लिए जल्दी से चाय बना ले। ओ मोहिनी कामनी सुभद्रा, चलो सब। ए मोहिनी, तू जल्दी से जाके बकरी का दूध निकाल। हाँ जल्दी जा। और ओ तुम्हारा की बच्ची, जल्दी जाके गुड़ की भेली निकाल। जाओ ना जल्दी, तुम जल्दी से जाके पानी गर्म कर। जाओ जल्दी, और तुम लोग सब मेरे साथ। अरे दूध डाल जल्दी, और तू चाय चंपा मुंह खड़ी के। चलो। अरे काका, अरे ये सारा राशन मेरे लिए, पूरे गांव के लिए? ज्यादा थोड़ी है बाबूजी, जब हम लोग जवान थे तो इतना एक गाल में दबा लेते थे। वो जमाना और था काका, आजकल तो आदमी मूंग के और मैदा कावक का बनने लगा। अरे खा जाओ बाबूजी, पेट में पड़ा गुन ही करेगा। बेला तू जाकर बाबूजी के लिए रसोई तैयार कर, न जाने घर का खाना कब खाया होगा। ये तुम लोग मेरे खाने पीने की मुसीबत कब तक उठाओगे काका? किसी रसोईया को बुला लो, मैं तुम लोगों को ये तकलीफ देना नहीं चाहता। तकलीफ का है कि मालिक, ये तो हमारा आसरा है। आपका खाना पकेगा तो हम लोग भी पेट भर खा लेंगे। क्यों, क्या तुम लोग पेट भर खाना नहीं खाते? कहाँ से खाएंगे मालिक,
थोड़ी तनख्वाह, जवान लड़की घर में बैठी है, ना जाने ये बोझ कैसे उतरेगा। बेला की शादी नहीं हुई अभी तक काका? कैसे हो सकती है, शहर का रोग यहाँ भी पहुँच गया है, लोग लड़की बाद में जेवर पहले मांगते हैं। घबराओ नहीं काका, बेला की शादी में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बेला को बड़ी धूमधाम से ब्याह। भगवान आपको सुखी रखे बाबू जी। बेला जरा अल्लड़ है, कुछ भूल चूक कर बैठे तो ख्याल ना कीजिएगा। तुम्हारी लड़की मुझे बहुत पसंद है, मुझे उसकी हर बात अच्छी मालूम होती। बेला बापू, 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 इतना बोझ ना डाला कर, गर्दन टूट जाएगी किसी दिन। बहुत भारी लगती हूँ बापू। अरे पगली, बेटी के बोझ से तो पत्थर भी लचक जाता है, और मैं तो आदमी हूँ। अच्छा हुआ भगवान ने इस बोझ का उतारने वाला भेज दिया। कौन आया है भला? अरे वो अपने दाग बाबू। क्या कहते हैं वो? कहते हैं तुम्हारी लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे उसकी हर बात बुरी मालूम होती है। ओ, और ये किस लिए कह रहे थे कि तुम्हारी लड़की मुझे बहुत पसंद है, उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती है। अपने मतलब की बात सुन ही लेती है। जा जा पानी ले आ जल्दी से। जा। बहु शरीर है। अरे मोरी! ओ काफी मोरी, चप्पल से बच रहा। अरे एक बात तो बता, अगर कोई किसी के बाप से कहे कि मुझे तुम्हारी लड़की बहुत पसंद है तो उसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि खरीदार आ गए, अब हीरा बिकने वाला है। मैं तो पहले ही कहती थी कि इन नैनों की बांह से बच के निकलना बहुत मुश्किल है। बेचारा कल आया और आज ही ढेर हो गया, जब देखो छेड़ा करती है। तुम्हारा भी संजोग आने दो, फिर बताऊंगी। पंछी बन में पिया पिया गाने लगा, पंछी बन में सखी हाथों से होए सखी हाथों से, सखी हाथों से दिल मेरा जाने लगा। पंछी बन में पिया पिया गाने लगा, पंछी बन में पापी की धुन सुन पापी की धुन, सुन पापी की धुन मेरा धड़के है जी, वो मेरा धड़के है जी। मजा जीने का अब मुझे आने लगा, पंछी बन में पिया पिया गाने लगा, पंछी बन में। गई तन मन में हार, गई तन मन में हार, गई तन मन में हार, लड़ी ऐसी नजर, वो लड़ी ऐसी नजर, लेके रही न मुझे अपनी खबर, हो दिल देके रही न मुझे अपनी खबर। मेरा नन्हा सा है, मेरा नन्हा सा, मेरा नन्हा
जीवन में पिया पिया गाने लगा अपन जीवन में। अच्छा बाबूजी, मैं जरा चिट्ठियां बांटा हूं। अच्छा, मैं अंदर आ सकता हूं? उफ, आज बड़ी गर्मी। मैं बैठ सकता हूं? क्या हुक्म है साहब? बताता हूं, ये पंखा नहीं चल सकता। ये पंखा ले। ये रही रसीद। अजय हजरत, ये जुल्लाब का नुस्खा कहां से उठा लाया? ये देखिए क्या इंक फटकड़ी, क्या लिखा है। हाँ जी, लीजिए, आप जब तक प्रातः निकाल दीजिए, मैं एक आध केला खा लू, बड़ी अच्छी चल जाएगी, निदा हल्का रहता है। ये लीजिए, ये अच्छा। ये है आपका पास भाई। यहाँ सैकड़ों डाक बाबू आए, मगर ये बात कहा भाई, बहुत रखी करो। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। ये दो भी ठिकाने लगा दीजिए ना। बस नहीं लगा दीजिए, बस नहीं ले लीजिए। बस बस हजरत। ओ हजरत, कौन? मुंशी जी, मुंशी जी। जी, मैं डालडा का पार्सल ले आया भैया। डालडा का नहीं मुंशी जी, इसमें सेंध की शीशियां हैं, लाइए। हैं? सारी शीशियां चूर कर ली। हाँ? तमाम सामान बर्बाद कर दिया। मगर मुंशी बेचारा क्या करे, नए नए रंगरूट पोस्ट मास्टर बनकर आ जाते हैं, तोड़ फोड़ कर मेरे हवाले कर दिया। अरे वाह, तो क्या आपने नहीं तोड़ा इसे? कैसी बात करती हो बिटिया, तुम्हारे शौक की चीज और मैं। अच्छी बात है, आप पार्सल लेकर मेरे साथ चलिए, मैं अभी बताती हूँ उसे। जी, मैं अभी आया, मैं अभी आया। मुंशी जी, मुंशी जी, मुंशी जी। अंधे हो गए हो, दिखाई भी नहीं देता। अंधी तो तुम हो, जानती हो मुंशी जला मरा आ रहा है, फिर भी रास्ता रोके खड़ी हो। अरे अरे, मारेगी क्या? सच सच बताओ कि ये खुशबू किस मासी के यहाँ से लगाकर आए हो? ये यूं ही जरा। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे रंग ढंग देख रही हूँ, बुढ़ापे में नीयत खराब हो गई है तुम्हारी। मुंशी, मुंशी जी। आज मुंशी जिंदा नहीं बचेगा। क्यों, क्या बात है? बिटिया की एक सहेली ने मुझे सुरमा लगाते देख लिया है, जहर खाने के लिए तैयार हो गई है। कोई आए तो कह देना कि मैं बीमार हूँ। ओ मिस्टर। हाँ जी। अरे, क्या पोस्ट ऑफिस में इसी तरह काम होते? क्या हुआ साहब? अरे ये पार्सल तो मैंने बिल्कुल अच्छी हालत में आपके आदमी के हवाले किया था। आप झूठ बोलते हैं। देखिए, आप मेरे इंसल्ट कर रही हैं। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपको पहचानने की ऐसी कोई खास जरूरत भी नहीं समझता। लेकिन आपने मेरा कीमती सामान तोड़ दिया। तो आप पोस्ट ऑफिस पर अपने नुकसान का दावा कर सकती हैं। अच्छी बात है, देख लूंगी। चल शंभू। जी हाँ, चलिए। रास्ता उधर है जी। मैंने पहले कहा था रास्ता। हाँ मिस्टर पार्सल, देख लेंगे। हाँ।
ये श्रीमती यहाँ क्यों आई थी? बाबा ये डाकघर है, यहाँ तो सभी लोग आ सकते हैं। दुनिया आए मगर इनको यहाँ नहीं आना चाहिए, इनका दिल नहीं पत्थर। वो तुझे कैसे मालूम है? अरे वाह, मैं क्या नहीं जानती, जब से हवा गाड़ी लेकर आई है आपे में नहीं रखी। चार दिन हुए नत्थू के बछड़े को मार डाला। नत्थू के बछड़े? हाँ, और कल गरीबन की बकरी ले मरी। इनके सपाटे में जो आता है पानी नहीं मांगता। तू फिक्र मत कर बाबा, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं, मैं सब कर लूंगा, आप समझा। तुम जानो। ठीक ठीक बताओ कि ये रोज रोज खुशबू कहाँ से लगा कर आते? रोज? अरे 12 बरस पर आज तो अपने दिन फिरे हैं, हमेशा तो पुराने बकरे की तरह महकता था। हाय हाय, जवान लड़की घर में बैठी है और खुद पराया घर ताकते फिरते हो, किसी दिन पकड़े गए तो चौराहे पर पटके जाओगे। पहले मेरी टुन टुन का ब्याह कर दो, फूल जैसी बत्ती सूखी जा रही है। अरे भाई उषा। जी पिताजी। तुम्हारी सालगिरह को 3 दिन बाकी रह गए हैं और विनोद बाबू को अभी तक इत्तला नहीं गई। मेरी तरफ से तार दे आओ, बिचारे को आने में भी तो देर लगेगी। अब तो वक्त नहीं रहा, कल भेज दूंगी। अजीब लड़की है, इसे किसी बात की परवाह नहीं। हुजूर लड़कियां सभी अजीब होती हैं, मेरी टुनटुन भी किसी बात की परवाह नहीं करती। मैं पहले ही कहती थी ना, इनकी मोटर की झपेट बहुत बुरी है, आप न बचाते। बेला प्लीज जरा काम करने दो ना। मैं काम करने से थोड़ी रोकती हूँ, बस उषा रानी से बचे रहना, एक पल में लोगों की दुनिया उजाड़ देती है। साहब ठीक से देखिए, 1 रुपया 10 आने बनते हैं। ठीक से देख चुका हूँ, 1 रुपया 14 आने बनते हैं। देखिए लिखने को एडवांस तो आप एक जगह लिख गए, लेकिन एडवांस के 2 शब्द होते हैं और ये विनोद बाबू के भी 2 शब्द। आपकी दुआ से मैंने मैट्रिक पास किया है। यहाँ भी बीए से कम नहीं है साहब। अच्छी बात है, ये लीजिए नोट। लीजिए ध्वनि में सर। अरे मैडम ध्वनि, ओ चलिए। बेला, ए बेला, ये मेम साहब जो बाहर गई है ना अभी, उनको ये ध्वनि दे जाए। अपनी ध्वनि लीजिए। ओ तू रख ले। जमुना दास, जमुना महल मधुबन। अशोक तुम इतने बड़े हो गए? अरे भाई ताज्जुब की बात है, कब के आए हुए तुम, आज मिलने आए हो? माफी चाहता हूँ, कुछ काम में उलझ गया था। बैठो बैठो। अब गैर बनने की कोशिश ना करना, परसों उषा की सालगिरह, ऐसा ना हो कि तुम आना भूल जाओ। अच्छा Thank you.
कौन? अशोक बाबू, आइए आइए। अरे भाई अशोक बाबू को अंदर ले चलो। ये रास्ते में कुछ मांगने बैठना, तुम्हारी आदत बुरी है। आइए आइए, नमस्ते। भतीजी की सालगिरह है, जल्दी में जो कुछ हो सका वो कर लिया है। अब आप आगे चले जाइए, हैं? मुझे काम बहुत है, मैं अभी हाजिर हुआ। हाजिर हुआ, मैं अभी आ। आप भी? आप कैसे आ गए? आप कैसे आ गए? पहले आप बताइए। हमें तो जमींदार साहब ने बुलाया। आपको? जिसने आपको बुलाया है उसी ने मुझको भी बुलाया होगा। तशरीफ रखिए। रखते हैं। कल पार्सल तोड़ दिया था, आज बर्तन ना तोड़ दीजिएगा, चीनी के मंगवाए गए हैं। आपने शायद चीनी के बर्तन में खाना नहीं खाया। मेरा मतलब है कि आपको शीशा तोड़ने की आदत है। टूटने वाली चीज टूट कर ही रहती। मालूम होता है आप मेरे साथ बैठने को अपनी बेइज्जती समझते हैं। माफ कीजिएगा, मैं इसको अपनी इज्जत भी नहीं समझता। अरे तुमने अशोक बाबू को नहीं पहचाना? इनके पिता और हम एक साथ पढ़ते थे। ये है मेरी बेटी उषा। जी आइए आइए आइए। आपने पहले तो कुछ नहीं बताया था। अब भी समझे तो बहुत है, जहाँ से जागे वहीं से सवेरा समझिए। हाँ। नमस्ते विनोद, तुम आ गए? तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। माफ कीजिएगा, गाड़ी लेट थी इसलिए पहुँचने में ज्यादा देर हो गई। आइए आइए। अशोक बाबू से नहीं मिले? ये भी तुम्हारी तरह मेरे करीबी दोस्त के सपूत है। आज तुम लोगों को एक जगह देखकर मुझे अपना पुराना जमाना याद आ रहा है। एक एक से पूछिए, खाना अभी कोई नहीं खाएगा। सबकी यही ख्वाहिश है कि उषा रानी पहले एक गाना सुना दे। गाना? ये क्या उठा लाए हो? पियानो बहुत भारी था, हारमोनियम उठा लाया हूँ हुजूर। कहाँ रखूं उषा रानी? इस वक्त मुझसे ना गाया जाएगा। बेटा यहाँ कौन सा कलाकार बैठा हुआ है जो शर्मा रही हो? तुम जो कुछ भी गा दोगी इन बेचारों के लिए वही बहुत है। चलो चलो। माफी चाहती हूँ, आज मेरी आवाज ठीक नहीं है। आज आप मित्रों का मन प्रसन्न करने के लिए अपने अपने अशोक बाबू गाना सुनाए। अजी शर्माने की क्या बात है, जो कुछ आता है वही सुना दीजिए। बेटा लोगों का दिल खुश हो जाएगा। चलो चलो चलो, श्याम श्याम। हुस्न वालों को न दिल दो ये मिटा दे ते हुस्न वालों को न दिल दो ये मिटा देते हैं जिंदगी भर के लिए जिंदगी भर के लिए रोग लगा देते हैं जिंदगी हाय जिंदगी भर के लिए रोग लगा देते हैं खूब करते हैं ये बीमार
मोहब्बत का इलाज। खूब करते हैं ये बीमारे मोहब्बत का इलाज। दर्द बढ़ता ही रहे, दर्द बढ़ता ही रहे, ऐसी दवा देते हैं जिंदगी, हाय जिंदगी भर के लिए रोग लगा देते हैं। हाय कुछ इनकी मोहब्बत का भरोसा ही नहीं। हाय कुछ इनकी मोहब्बत का भरोसा ही नहीं। पहले दिल लेते हैं फिर, पहले दिल लेते हैं फिर दिल से भुला देते हैं जिंदगी, हाय जिंदगी भर के लिए रोग लगा देते हैं। दिल लगाए ना जमाने में हसीनों से कोई, दिल लगाए ना जमाने में हसीनों से कोई। लोग कहते हैं कि ये, लोग कहते हैं कि ये मिल के दगा देते हैं जिंदगी, हाय जिंदगी भर के लिए रोग लगा देते हैं। बहुत अच्छा गाते हैं, आपका गाना जादू से कम नहीं है। गाता क्या हूँ, रो लेता हूँ किसी तरह। यही रोना मुझे भी सिखा दीजिए, क्या मैं भी इसी अंदाज में रो सकूंगी। अरे क्या बात है, मैंने तो मजाक किया था, मगर आप तो सचमुच ही जादूगर निकले। अशोक बाबू, उषा को गाना सिखाने के लिए आपको थोड़ा वक्त निकालना ही पड़ेगा, और शाम को चाय भी रोज यही पीनी पड़ेगी। कुछ मेरा भी हक है, मैं इस हक को अपना फर्ज समझ कर अदा करूंगा। आप आ गए? हाँ। खाना ठंडा हो गया होगा, मैं गर्म कर लाती। नहीं बेटा, मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, आज बड़ी हवेली में मेरी दावत थी, जमींदार साहब और उनकी बेटी ने बड़े शौक से खाने खिलाए। ओ थक गया। बेला जी, बाबूजी आ गए? आ गए बाबू। खाना खा लिया? नहीं। क्यों भला? आज बड़ी हवेली से खाकर आए हैं। ओ हाँ हाँ हाँ, आज उनकी वहाँ दावत थी, मैं जरा हाल चाल पूछ कर आता हूँ। हाँ बलम नहीं जाने, लगन मोरे मन की बलम नहीं जाने, बलम नहीं जाने, सजन नहीं जाने, लगन मोरे मन की बलम नहीं जाने। Thank you.
आज की मारी मैं तो मुँह से ना बोलूं, मुँह से ना बोलूं। भेद किसी से कभी दिल के ना खोलूं, दिल के ना खोलूं। ठेस जी आप लगे, ठेस जी आप लगे। छुप छुप रोलूं, छुप छुप रोलूं। तड़प बिरहन की बलमो नहीं जाने, बलमो नहीं जाने। सजन नहीं जाने लगन मोरे मन की बलमो नहीं जाने। आशा के तारे नैन चुरा के है सैया हमारे, सैया हमारे। निहल गन गए, निहल गन गए। सौतन गारे, सौतन गारे। कदर निर्धन की बलमो नहीं जाने, बलमो नहीं जाने। सजन नहीं जाने लगन मोरे मन की बलमो नहीं जाने। हाँ लाओ निकालो जेवर, जल्दी करो जल्दी करो। तुम्हारा काम हो जाएगा, अपना ही बच्चा है। अरे कैसे आ रहा हूं मुंशी जी, फायदे की खबर लाया हूं। सूद पर रुपया लगाओगी? कैसी बातें कहते हैं आप? अरे भाई किस्सा ये है, एक गरीब कुछ जेवर लेना चाहता है, जिसके लिए लाया था वो तो चल रही, अब वो बीमार है। नेकी की नेकी और फायदे का फायदा, मैंने सोचा भतीजे के पास ले चलो, चार पैसे कमा लेगा। मैं क्या करूंगा जेवर खरीद के, न मेरे बीवी है न मेरे बच्चे मुंशी जी। जी, जेवर कितने में बेचेगा? मैं तो पहले ही कहता था भतीजा मेरी बात कभी नहीं डालेगा। मैं इनकी कीमत पूछ रहा हूँ। पहले जेवर तो देख लो। देखो ये चूड़ी, ये मांग का टीका, ये बुंदे। वो बेचारा तो चार सह में बनवाकर लाया था, मगर मैंने कहा ये बात झूठी, अब तो इसके ढाई मिलेंगे ढाई। ये बात गलत है मुंशी जी, अगर 400 के जेवर है तो उसे 400 रुपया ही मिलना चाहिए ना। गरीब को लूटने की कोशिश न करो मुंशी जी, एक दिन सभी को मरना। अच्छी बातें करते करते ये क्या इंस्टेंट बकने लगे, जीने की बात करो लाल, जीने की। ये ले लीजिए 400। जियो बादशाह। भैया। अरे हाँ भाई, मैं तो भूल ही गया था, लड़का 150 से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता था। मैंने कहा 200 निकाल दो, अब दोनों भाई हिस्सा बांट ले। मेरे कान में तो कुछ 400 की भनक आई थी भैया। नहीं, अरे कान का मैल निकाला कर, लड़का कह रहा था कि 4 दिन के बाद खरीदूंगा, मैंने आज ही सौदा खत्म कर दिया। हाँ जी, ये एक तेरा और ये एक मेरा, खुश। 400 के जेवर 100 रुपए में बहा दिए मुंशी जी। बहा दिए? अरे किस्मत अच्छी थी जो ग्राहक मिल गया, आजकल सोने को पूछता कौन है। बेला,
इधर मुझे बुलाया क्यों? गांव में कोई और बेला भी है? अपने दिल से पूछो। ए पगली, तुझे क्या हो गया? तू कुछ बदली बदली सी नजर आती। बेला तो वही है, तुम बदलते जा रहे हो, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं। बाबू लोगों की जाति ऐसी होती है। मैं समझ गया, कल जो सरकार का खाना वापस कर दिया गया था ये उसी बात की नाराजगी है ना? अच्छा मैं भी चीजें वापस किए देता हूँ। चीजें? हाँ। कैसी चीजें? अपनी पसंद के कुछ गहने लाया था, लेकिन तुम नाराज हो लौटाई। लेकिन मैं गहनों से थोड़ी नाराज हूँ, देखो तो सही। दिखाओ ना, दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। अच्छा क्या? आग बंद करो। हो क्या? आग बंद करो। देख बेला, अगर तुमने देखा ना तो पिटेगी। अरे सर नीचे गए। ये भी मेरे लिए है। हाँ। और ये? ये और ये और ये बाबूजी। बापू बापू, अरे ये तू कहाँ से उठा लाई है? बाबूजी ने दिया है। बापू? बाबूजी ने? इतना धन गरीब को भगवान भी नहीं देते, तो जरूर कहीं से उठाकर लाई है। बापू नाली जाकर बाबूजी से पूछता हूँ, अभी पूछता हूँ। बाबूजी, बाबूजी, वो बेला को, वो जेवर मैंने ही बेला को दिए थे काका, यही पूछने आए थे ना? हाँ बाबूजी, देना था तो एक चांदी का छल्ला ही दे दिया होता, इतना बड़ा इनाम उसकी हैसियत से ज्यादा है, उसे वापस ले लीजिए। वो वापस लेने के लिए नहीं दिए गए थे काका, वो मैं बेला के ब्याह के लिए लाया। ब्याह के लिए? हाँ, तुम्हें नहीं तो कहा था ना काका कि मैं बेला की शादी कर देना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि बेला की शादी बड़ी धूमधाम से और वो जल्द से जल्द दुल्हन बन जाए। हाँ बाबूजी, बेला के लिए आप देवता बनकर आए हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बाबूजी, बापू अभी क्या कहने आए थे? नहीं बताते जी, बताओ ना बाबूजी। तुमसे सुना नहीं जाएगा जी। क्यों, ऐसी कौन सी बात? बात तो कुछ ऐसी है, फिर जब तुम मेरे सामने आया करोगी ना तो शर्म के मारे छुप जाएगा। वाह, मैंने कोई चोरी थोड़ी की है जो शर्माऊंगी, और तुम कहीं के थानेदार थोड़ी हो। बताओ क्यों शर्माएगी तुम्हें? बता। छोड़ बाबुल का घर, मोह पी के नगर आज जाना पड़ा। जा
दिल से गा रही थी। मालूम होता है कन्हैया प्रसन्न हो गए। ये एक आंख मार दे तो सितारों का दिल धड़कने लगे। वो बेचारा तो आदमी है। जब देखो छेड़ा करती है। कुछ और भी आता है क्या करूं रानी, मोहब्बत की छेड़ में बड़ा मजा आता है। बातें तेरी होती है, दिल मेरा भर आता है। और मेरा भी भर आता है। अगर कोई किसी के लिए नए नए गहने लाए तो उसे क्या समझना चाहिए? लाने वाला बचकर नहीं जाएगा। अरे है, परदेसी मुफ्त में मारा गया। अच्छा, और अगर कोई किसी से साफ साफ कह दे कि मैं किसी को जल्द दुल्हन बनाना चाहता हूँ तो उसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये, छोड़ बाबुल का घर, मोहे पी के नगर आ जाना पड़ा। ठीक कहती हूँ, उन्होंने भी यही कहा था और इसीलिए तो ये गाना भी मुझे सिखाया है। अरे क्या हुआ? कांटा चुभ गया। तेज दौड़ने से यही होता है। गई गांव से। ये क्या बनाया जा रहा? मैं पूछती हूँ ये क्या बनाया जा रहा? ये ताजमहल बनाया। लेकिन इसमें तुर्बत किसकी बनेगी? इसमें तुर्बत नहीं, मोहब्बत रहेगी। क्या मैं देख सकती हूँ? मोहब्बत का ताजमहल वक्त से पहले नहीं देखा जा सकता। अच्छी बात, तो फिर तशरीफ का टोकरा ले चलिए। कुछ माफी की गुंजाइश हो सकती? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? तो चलिए। ये बुढ़े नखरे छोड़ो और सुनो, दरवाजे में कोई मजबूत सा ताला लगवा दो। मैंने कहा किसी का कुछ लेकर तो नहीं भागा हो? मुंशी को सब चोर ही समझते हैं। अरे भाई, एक मुखिया के कुछ जेवर सस्ते दामों बिकवा दिए हैं और ये है अपना हिसाब। अजी, मैंने कहा कि जेवर सस्ते थे तो अपने टुन टुन के लिए क्यों नहीं ले आए? भगवान रखे कल को वो भी तो ब्याह जाएगी। मुंशी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला, वो देवर इसी घर में आएंगे और मेरी टुनटुन नहीं पहने। अच्छा, टुनटुन कहाँ है? देख मैं टुनटुन के लिए कितनी ऐसी चुनरी ला रहा हूँ। हाय हाय, यहाँ देखो गिरी पड़ती हो, अब उठोगी? टुनटुन, ओ बिटिया टुनटुन। मार डाला महमूद ने। आया क्या हुआ? इसी दिन के लिए कहता था कि लड़की को सैंडो ना बनाओ, आज मुझे पटखा है, कल तुम्हें उठा फेंकेगी। गुस्सा ना करो, शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ महमूद, अब उठो भी, जहाँ देखो किले पड़ते हो। चलो। ये मेरा कमरा है,
तशरीफ रखिए। बहुत ही आरामदेह कमरा है। मगर आपको ताज्जुब होगा, यहाँ सिर्फ मैं रहती हूँ, आराम नहीं रहता। मालूम होता आपके दिल में कोई तूफान छुपा हुआ। मैंने जब से आपका गाना सुना है दिल में तरह तरह के तूफान उठ रहे हैं। जी चाहता है आपसे आपका गाना छीन लूं, जी चाहता है आपके गीतों में समाकर खुद भी एक गीत बन जाऊं। काश ये मुमकिन होता। दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं। मैंने बहुत कोशिश की मगर गाना ना आया। आप होंठ से गाना चाहती हैं। गाना हमेशा दिल से होता है। दिल के तारों को हिलाइए, रात में खुद ब खुद बहरा जाए। ये तार कैसे हिलेंगे? जब दिल में दर्द पैदा होगा। आई आई मैं गीत छेड़ता हूँ, आप राग मिलाइए। मैं आपके साथ गा सकूंगी? कोशिश कीजिए, सहारे के लिए मैं मौजूद। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। मोहब्बत का असर हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। पूछो ना मोहब्बत का असर हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का, दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का, वही झलक जाए ना पैमाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल दीवाना किसी का। अब इजाजत दीजिए। ठहरिए। ये क्या है? आती यादगार, प्रेम देवता की भेंट है, कहीं खो ना दीजिएगा। ये
की रात कितनी सुहानी है। लेकिन हर सुहानी रात का अंजाम सुहाना नहीं होता। मैंने आपको पाकर बहुत कुछ पा लिया है। आपसे मिलने के बाद मैं भी आपका ही हो गया। मुझ में ऐसी कौन सी चीज है भला? आप लिबास बहुत अच्छा पहनती। बस हाँ बस। शुक्रिया। तो अभी तक यहीं खड़ी है पगली? आप मुझे पगली ही समझते रहेंगे। आधी आधी रात तक खड़ी इंतजार जो करती रहती है। चल अभी आई। अच्छा अभी आई। आज की यादगार प्रेम देवता की भेंट है, कहीं खो ना दीजिएगा। अरे ये क्या भैरू भरा तू है? मैंने सोचा तुम्हें ये पहरावा अच्छा मालूम होता है। क्या मैं इस लिबास में उषा रानी से बुरी मालूम होती हूँ? अरे तू आप हंसते क्यों हैं? यही पहनकर तो उषा भी आती है। पगली तू उन्हीं ढीले ढाले कपड़ों में अच्छी लगती। हाँ अच्छा ये बताओ तुम आज वहां फिर क्यों गए थे? बेला आपसे मैं रोज वहां जाया करूंगा। हाँ? मैं उषा देवी को गाना सिखाता हूँ। तुम मुझे गाना नहीं सिखाओगे? तुम्हारे गीत वही गा सकती हैं, मैं नहीं गा सकती। मैं गाना सिखाने से पहले परीक्षा लिया करता हूँ जानती है। मेरी सहेलियां कहती हैं। क्या कहती हैं? कि मेरे गले में रागनी का बसेरा है। तेरे गले में? सच कहती है ना? मुझे क्या मालूम, पर देखूं तो सही कि तू गाती कैसा। गाना? जा तू भरे नैनो में जादू भरे, जा तू भरे नैनो में डोले जिया तेरी कसम। दिल है तेरा दीवाना, दिल है तेरा, दिल है तेरा दीवाना, भोले पिया तेरी कसम।
तेरे गले में तो वाकई रागनी का बसेरा। ये क्या है? ये टाई का पिन है बेला। ये पिन में कौन से महाराज बैठे? क्यूपिड महाराज। कुपिड? कुपिड नहीं, क्यूपिड। ये प्रेम के देवता। प्रेम के देवता तो कन्हैया जी हैं। देवता एक ही है, रूप अलग अलग। अब जरा आप तशरीफ ले जाइए, जाके सो जाइए। बेटा उषा, पटने से बाबू गंगा प्रसाद का खत आया है, वो विनोद के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगते हैं। अभी रहने दीजिए पिताजी, पहले मुझे संगीत सीखना है। मैं आ सकता हूँ? ओहो, अरे आप तो बैठ भी सकते हैं। तुम की माँ ने भेजा है, कहा तुम्हारा खाली हाथ जाना ठीक नहीं। मैंने भी सोचा, औरत पागल सही मगर बात पते की कहती है। तुलसी, ये बाबूजी के कमरे में आपने सब तकलीफ क्यों की? अरे कमाल करते हो, दुनिया का दस्तूर भी देखना चाहिए। आज तुम्हारी रोटी भी वही है। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुंशी लेने आया है और लेकर ही जाएगा, नहीं तो टुनटुन की माँ कहेगी भतीजे ने इतनी बात भी ना मानी तुम्हारी। लो घड़ी नबी 5 बजा, चलो। अरे हाँ, चले चल। मौत भी नहीं आती मरण जोगे, कलेजा हौल खा रहा है। मरता हूँ। हे भगवान, इस बूढ़े बकरे से पीछा छुड़ा दे, मैं ऐसी सुहागन से विधवा भली। हे आहिस्ता बोल भतीजा, आ गया। मैं तंग आ गई हूँ तेरे भाई भतीजों से, ना मरते हैं ना पीछा छोड़ते हैं, काटे जा रहे हैं मुझे। अशोक बाबू, मुंशी जी, क्या बात? अब कुछ भी नहीं, टुनटुन की माँ बड़ी हंसमुख है, मजाकी मजाक में मेरा टेटुआ पकड़ लिया था। और तो सब खैरियत? बिल्कुल खैरियत है, सब ठीक है। बिल्कुल ठीक है, दुआएं कह रही हैं आपको। मैं अंदर चलिए, बुला रही हैं। अरे किस बात, रोई को बुला रहा है, मैं दोनों को घर तोड़ दूंगी। आ गई, संभालिए अशोक बाबू। अरे तुम हो बेटा, मैं समझी थी अपने भाई भतीजों को बुला रहा है। चलो अंदर, चलो चलो चलो। अरे चलो चलो, अरे चलो बेटा, बैठो बैठो बेटा। अब तो ये भी तुम्हारा ही घर है। टुनटुन, अरे ओ बेटा टुनटुन, अरे जल्दी आओ। अजीब लड़की है, फूल की पंखड़ी से ज्यादा नाजुक। परसों केले के छिलके पर पैर आ गया, तो रोज तक जुकाम रहा। अरे दिन रात अशोक बाबू की माला जपती थी, अब बात क्यों नहीं करती? अच्छी तरह समझा दिया है ना, कहीं कुछ करना बैठेगा। कुछ नहीं करेगी, खा लिया। चलो चलो, हम नाश्ता पानी के इंतजाम करें। चलो चलो, घबराइए नहीं अशोक बाबू, सब कुछ ठीक, कुछ नहीं होगा। अरे चलो मुंशी। ओ मुंशी, कहाँ जाता है, बैठना। वो मुंशी जी क्यों चले गए? मेरे और तेरे लिए, सुना है तेरे को गाना बड़े मजे मजे का आता है। आता था, लेकिन अब तो मैं सब कुछ भूल गया। आपको भी तो गाना आता होगा। मेरे को गाने आने का नहीं, बस इसका शौक है। देख देख, एकदम पत्थर है, पत्थर। पंजा लड़ाएगा, डरता क्यों है? आ? नहीं, देखिए छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। देखिए मैं आपसे कहता, छोड़ दीजिए,
मुंशी। ओ मुंशी, लड़का लड़की आपस में खेल रहे हैं। जी हाँ, मरता हूँ। क्या भूत आ जाता है, तुम परे हटो। अरे हट। मुंशी, मुंशी, हेल्प, हेल्प, हेल्प। तू मेरे से भागना चाहता है मुंशी जी? बैठ मुंशी जी, बोल दूंगा मुंशी जी। मेरे को मस्ती करने में बड़ा मजा आता है। इसको भी बखा दिया। पांच असामियों को फांस फांस कर ला चुका हूँ। ये दुर्भागनी सबको बखा देती है। दूर हमन हो तेरे भाग। चंपा, चंपा, मेरा दिल हौल खा रहा है। मैं कुछ दिनों से एक सपना देखती हूँ, देखती हूँ। एक घोड़े सवार आता है और कहता है, साजन खड़े हैं द्वार, डोले में हो जा सवार। मैं सवार तो देखती हूँ मगर डोला दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों होता है चंपा? उड़ने वाले पंछी का क्या भरोसा? नहीं, वो ऐसे नहीं है। मर्दों की जात बड़ी बेवफा होती है रानी, कहीं धोखा ना खा बैठे, मुझे इसका डर है। वो मुझे धोखा नहीं देंगे, वो बेला के सिवा किसी के नहीं हो सकते। जरा देखिए ये बहार के सरगम पर नाचती हुई डालियां, ये पत्थर के सीने से उगलता हुआ झरना, ये प्रेम की समाधि में खोए हुए दरख्त, ये मौजों की माला बनाती हुई नदी, ये अरमानों के मोती बरसाते हुए पाते, ये किनारों से मिलने के लिए तड़पती हुई लहरें। और ये हम और ये आप तो बात काट देते हैं। मेरा कहना था ये चीजें आप जैसे कलाकारों के लिए बहुत जरूरी है। कलाकारों की कौन बात करता? देख रहे हैं आप, इन मौजों की किस्मत में तड़पना ही लिखा है। इन मौजों की तड़पने पर न जाइए, दुनिया की हर चीज किसी न किसी के लिए तड़प रही। जी चाहता है आज खूब का। कैसे गए? सास तो आपके पास है। आपने कहा था ना, गाना दिल से होता है। आज मैं दिल के तारों पर गाऊंगी। नदिया में उठा है शोर, छाई है घटा घनघोर, जाना दूर है। नए जमाने नए तराने ले
एक जवानी आई, सुन सुन जिसको नाच उठे दिल, सुन सुन जिसको नाच उठे दिल, ऐसी कहानी लाई शाम सुहानी आई। चिंचोला चिंचोला चिंचोलाई हई सो तंबा हई सो, छलिया में गुंबा है शोर छाई है घटा घनघोर, ज्यादा दूर है तंबा हई सो। धरती पर आकाश जब तक हो ढलता सूरज धूप सुनहरी, आज का मौसम याद रहेगा, आज का मौसम याद रहेगा। आज आप वाकई बहुत अच्छा गए। तो फिर आपको एक तोहफा देना चाहता हूं। क्या है वो तोहफा? शायर का दिल, मेरी जिंदगी भर की पूंजी। तो दीजिए ना, मैं उसे अपने दिल से लगा कर रखूंगी। आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद बंद रखिए। एक नहीं दोनों हाथों मोहब्बत में जीना, मोहब्बत में मरना, ना सुबहाना ना फरियाद करना। मैंने आज जाना कि आप इतने अच्छे कवि भी हैं। इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसे एक तोहफा समझ कर कबूल की। मैंने भी आपको एक तोहफा दिया था। अब दिया था? नहीं दिया था। दिया तो था। कहाँ है वो? वो खो दिया ना आपने प्रेम देवता को। नहीं, खोया हुआ तो नहीं। मैं झूठ है, मैंने तुम्हें छुपा कर अपने पास रख लिया है। तुम्हारी जगह यहाँ है मेरे दिल में, तुम मेरे हो। मालूम होता है हम और आप साज और आवाज बनते जा रहे हैं। साज से आवाज जुदा तो ना होगी? जब तक कोई साज को ना तोड़े, आवाज को जुदा होना मुश्किल है। सच? पहले अशोक अपना था, अब सिर्फ आपका। मर्दों की साज बड़ी बेवफा होती है रानी, कहीं तो खाना खा बैठे। मुझे इसका डर है। मैं जाती हूँ।
मरना चाहती है? हाँ मैं मरना ही चाहती हूँ। मरने बहुत से रास्ते हैं, मुझे क्यों बदनाम करने आई? मैं आप ही के हाथ से मरना चाहती हूँ। वजह? ये बातें रास्ते पे नहीं होती मालकन। अच्छी बात है, गाड़ी में बैठ जाओ। नहीं नहीं, यहाँ कुर्सी पे बैठो। कुर्सी गरीबों के लिए नहीं है मालकिन, मैं यहीं अच्छी लगती। क्या कहना चाहती हो तुम? आपके पिता गांव भर का इंसाफ करते, आप उन्हीं की बेटी, मैं आपसे इंसाफ मांगने आई हूँ। कैसा इंसाफ? अगर कोई औरत होकर औरत के कलेजे में छुरा मारने की कोशिश करे तो उसके लिए क्या सजा है? हाथ तोड़ देना चाहिए। तो ऐसा करने में आप मेरी मरेंगी? जरूर। मुजरिम का नाम सुनकर आप अपना फैसला तो न बदल देंगे? नरगिस नहीं, तो क्षमा कीजिए मालकिन, वो मुजरिम आप ही हैं। आप ही ने मेरे आदमी को बस में कर लिया। मैंने तुम्हारे आदमी को बस में कर लिया है? कौन है वो? अशोक बाबू। अशोक बाबू? नहीं नहीं। क्या सोच रही हो मालकिन? क्या सोच रही हो मालकिन? क्या सोच रही हो मालकिन? क्या सोच रही हो? तुम्हें नाम और दौलत के सहारे अच्छे से अच्छा पति मिल जाएगा। मेरी किस्मत में एक ही हीरा आया, वो भी तुमने छीन लिया तो जिंदगी भर दामन खाली रह जाएगा। रानी होकर भिखारन की दुनिया न उजाड़ो। एक बार ये साबित करने में भी औरत का दिल है, तुम्हारे सीने में भी औरत का दिल है। बेला, इतना बता दे, क्या वो भी तुझसे प्यार करते हैं? हाँ मन, बहुत प्यार करते हैं। वो मेरे लिए चूड़ियां लाए हैं, बुंदे लाए हैं, मांग का टीका लाए हैं, और मेरे बाबू से मेरी शादी की बात भी कर चुके। भगवान के लिए आप मेरी दुनिया से हट जाइए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। जिसे बर्बाद होना था हो चुकी, जो आज मैं तुम्हारे सामने से हट गई, अब वो मेरे सामने कभी ना हटेंगे, अब वो मेरे सामने कभी ना आ सकेंगे, कभी ना आ सकेंगे। रानी, रानी भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे मालकिन, भगवान तुम्हारा भला करे। आग लग गई, घर जल गया। ना सोचा था ये, ना सोचा था ये, दिल लगाने से पहले, दिल लगाने से पहले के टूटेगा दिल, के टूटेगा दिल, मुस्कुराने से पहले, मुस्कुराने से पहले। ना चमका ना डूबा, ना चमका ना डूबा, गहन पड़ गया, गहन पड़ गया, जगमगाने से पहले, जगमगाने से पहले। ना सोचा था ये, ना सोचा था ये, दिल लगाने से पहले, दिल लगाने से पहले। अगर गम उठाना, अगर गम उठाना था
किस्मत में अपनी अपनी खुशी क्यों मिली, खुशी क्यों मिली गम उठाने से पहले, गम उठाने से पहले ना सोचा था ये, ना सोचा था ये दिल लगाने से पहले, दिल लगाने से पहले जलाए ना दिल को जलाए, मुझे फूंक दे, मुझे फूंक दे घर जलाने से पहले, घर जलाने से पहले ना सोचा था ये, ना सोचा था ये दिल लगाने से पहले, दिल लगाने से पहले। बेटा उषा जी, बाबू गंगा प्रसाद ने एक खत फिर लिखा है, वो तुम्हारे रिश्ते के लिए बहुत बेचैन है, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या जवाब दूं। अब आप लिख दीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूं। शाबाश बेटा, शाबाश, मैं अभी खत लिखता हूं। मुंशी जी, मुंशी जी, मुंशी जी आया हूं। मुंशी जी, उषा शादी के लिए तैयार है। मैं हूं हुजूर, मैं हूं। ओह, मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। कपड़े वालों को बुलवाओ, जेवरात के लिए ऑर्डर दो, बाजी और गैस और पत्ती के लिए ब्याने भिजवा दो, सब हो जाएगा हुजूर, सब हो जाएगा। उषा देवी, अशोक बाबू आए हैं, उनसे कह दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं गाना नहीं सीखूंगी। आज आप जाइए, उषा देवी की तबीयत ठीक नहीं है, वो गाना नहीं सीखेंगी। बाबूजी, बाबूजी, आज मेरा नाचने को जी चाहता। उषा देवी आज भी आपसे नहीं मिलेंगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बाबूजी, आजकल आप उदास क्यों रहते हैं बाबूजी? जा अपना काम कर। आस न टूटे भगवान। अब आप यहाँ आने की तकलीफ न करें, उषा बिटिया आपसे नहीं मिल सकती। इसकी वजह? उन्होंने कहा है मैं आपका गीत न गा सकूंगी, आपका संगीत बहुत मुश्किल है, अब आप जाइए। वो मेरे गीत न गा सकेंगे, मेरा संगीत बहुत मुश्किल है। अच्छा, उनसे मेरा प्रणाम कहना।
क्या बात? अशोक बाबू क्या हुआ? कुछ नहीं, चलते चलते ठोकर लग गई। बेटा देख कर चला करो, दुनिया में ठोकरें बहुत है। मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। आओ। मालकन, अब क्या लेने आई हो? आज कुछ देने आई हूँ मालकन, अपना दान वापस ले लीजिए, वो मेरे नहीं। क्या? मैंने ये ना सोचा था कि चांद आकाशी के लिए पैदा हुआ, धरती के लिए नहीं। अशोक बाबू के दिल में मेरे लिए जगह नहीं है, वहां सिर्फ आप ही रह सकते हैं, वो आप ही की दुनिया है। तूने तो कहा था। मैंने झूठ कहा था, मैंने झूठ कहा था, मैं उन्हें समझ न सकी थी। अपने बीमार को चलकर बचा लीजिए, वो आपकी सेवा किसी के नहीं हो सकते, वो आपकी सेवा किसी। अशोक बाबू को चोट मेरे कारण आई है, मगर उनकी जान आप ले रही हैं। वो अगर मुझे एक बार भी पुकारते तो मैं अपने जीवन की तमाम मुस्कुराहटें लेकर उनके चरणों में खड़ी हो जाती, मगर वो आप ही को पुकारते, वो आप ही को देखना चाहते हैं। उनकी सेवा मेरे बस में है, उनका जीवन मेरे बस में नहीं। ये जेवरात का बादशाह है। ये सरकार कपड़ों की राजकुमारी है। जरूर इसे मुलायजा कीजिए, इसमें सुख का रंग और सुहाग की गुलकारी है। और सरकार इधर मुलायजा, इसका हर मोती चुनो सितारों पर भारी। शाबाश, जैसा वादा किया था वैसा ही सामान लाए हो, बाकी चीजें भी बहुत जल्द हाजिर करो, लगन में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए। उषा देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सामान मंगवाया है, ये कामदानी, ये कारचोभ और ये मोतियों का हार। ये शादी रुक नहीं सकती पिताजी, 4 दिन बारात को रह गए हैं और आज तुम। गलत नहीं कहती हूँ, ये शादी रोक दीजिए, भगवान के लिए शादी रोक दीजिए, ये मेरी मौत और जिंदगी का सवाल है, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। शादी रोक दीजिए, ये सामान क्यों मंगवाया था? इन चीजों की क्या जरूरत थी? इन चीजों की क्या जरूरत थी? ये क्या कर रहे हैं सरकार? चिट्ठियां जा चुकी, मेहमान आने वाले हैं, वो कहती है शादी रोक दीजिए। सरकार ये क्या कर रहे हैं सरकार? कुछ सुना तुमने? वो कहती है बुजुर्गों के नाम और खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दीजिए। ये कैसे हो सकता है मुंशी जी, ये कैसे हो सकता है? घबराने से कुछ नहीं होगा सरकार, हम लोग जाकर समझाते हैं, बिटिया जरूर मान जाएगी। मान जाओ बिटिया, ये खानदान की इज्जत का सवाल है, बड़े सरकार पागल हो जाएंगे। बूढ़े बाप की लाज रख लो बेटा, हवेली की इज्जत चली जाएगी, मधुबन का रोग जाता रहेगा। सरकार आ गए मायूस होकर, मैं पहले ही कहता था वो किसी की ना मानेगी। अब इस रुसवाई से बचने की कोई सूरत नहीं है मुंशी जी, कोई सूरत नहीं। एक सूरत है सरकार, अशोक बाबू भी तो खरी के आदमी हैं, उषा रानी उनकी बहुत इज्जत करती है, मेरा ख्याल है अगर वो आकर समझा दें तो जरूर मान जाएंगे। मगर वो बेचारा तो बीमार पड़ा हुआ है। 4 पाई पर उठा लाएंगे हुजूर, वैसे अब उनकी तबीयत भी तो ठीक हो। Thank you.
बेटा अशोक। कैसी तबीयत है अशोक बाबू? अच्छा बेटा, मैं आज एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं तुम्हारे पास। उम्मीद लेकर आए? चार दिन उषा की लगन को रह गए हैं और आज वो शादी से इनकार कर रही है। अगर आई भी बारात दरवाजे से लौट गई तो लोग कहेंगे लड़की में जरूर कोई ऐब था। अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझे जिंदा न देख पाओगे। ये खानदान की इज्जत का सवाल है। ये खानदान की इज्जत का सवाल है। हाँ, ये खानदान की इज्जत का सवाल है। क्या सोच रहे हो बेटा? अगर आज तुम्हारे पिता होते तो मेरे आंसुओं को अपनी आंखों में ले लेते। अगर तुम्हारे सामने मेरी पगड़ी उतर गई तो लोग क्या कहेंगे? ये मेरी नहीं, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। मेरी मदद करो बेटा, मेरी इज्जत बचा लो। आप क्या चाहते हैं? समझाओ बेटा, बारात दरवाजे से न लौटे इसके सिवा मैं और कुछ नहीं चाहता। आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा, बारात वापस नहीं लौटेगी। अशोक बाबू, आप कैसे आना हुआ? मैंने आपको समझने में भूल की थी, माफी मांगने आई हूं। आप ही ने दिल का माल उठाया था, आप ही ने उसे गिरा भी दिया। पूछ सकता हूं ऐसा क्यों किया? इसे तकदीर का खेल समझी, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती। आग लगा सकती हूं, वजह नहीं बता सकती। वापिस चली जाइए, वापिस चली जाइए। मैं वापिस जाने के लिए नहीं आई। पिताजी ने मेरी शादी कह सकती है, इससे पहले कि आप घर मेरे दरमियान कभी न हटने वाली दीवार खड़ी हो जाए। चलिए कहीं भाग चली। या आपने कोई नई बात नहीं, आजकल की लड़कियां जवानी की ठोकर को मोहब्बत की मंजिल समझ लेती है, मगर मेरे नजदीक मोहब्बत की सही मंजिल माँ बाप के कदम है। वो लड़की जिसे माँ बाप की इज्जत से प्यार नहीं, वो दुनिया में कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। अगर आपको प्यार का दावा है तो आज आपको इसका सबूत देना होगा। आप कहें तो मैं अपनी जान दे सकती हूँ। अगर मैं कहूँ कि जान बूझ कर कुएं में गिर जाइए, आपकी खुशी के लिए मैं ये भी कर गुजरूंगी। तो अगर आप मेरी खुशी चाहती है तो जहाँ आपके पिताजी कहते हैं वहीं अपनी शादी कर लीजिए। अशोक बाबू, ऐसा न कहिए। अशोक बाबू, ऐसा न कहिए। अशोक को पहचानने की कोशिश कीजिए, उसने आपके सिवा कभी किसी से मोहब्बत नहीं की और न कभी करेगा। मुझे डोले में जाते देख आपके आंसू न निकल आए। मैं इसी तरह हंसता रहूंगा और हंसते हुए आपको डोले में बिठा। अब आप जाइए। आज तुम इतने परेशान क्यों दिखाई देते हो? हा? कुछ नहीं, ऐसी तरह। आप क्या कहना चाहते? आओ। बैठो। बात यह है अशोक कि मैं अब उषा को सुहागन देखना चाहता हूं। संजोग की बात है कि लड़का भी घर ही में मौजूद है। जी मेरा मतलब है कि इधर उधर दौड़ने की क्या जरूरत है, समझोगे? मैं आपका मतलब नहीं समझा। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अरे भाई, तुम मेरे दोस्त के लड़के हो, तुम होता है कहीं बिजली गिरी। जी हाँ, बिजली गिर गई। इस सोच में पड़ गया शो? जी कुछ नहीं, बिजली गिर गई। अरे हाँ, बिजली तो गिर गई। मैं ये कह रहा था कि मैं अकेला घबरा जाऊंगा। बारात की देखभाल, बारातियों के खाने पीने का इंतजाम, ये सब तुम्हें को करना है। इत्मीनान रखिए, मैं आपके हुकुम से बाहर नहीं रहूंगा। बस
जब तो बड़ा ही मजा आएगा। विनोद बड़ा हसमुख लड़का है, कहता था पापा सूट पहनो। और एक दिन कहने लगा कि उषा को पेरिस ले जाऊंगा, पेरिस। बाबू गाड़ी के नीचे आ गए। क्या कह रहे हो, गांव वालों ने अस्पताल भी नहीं ले जाने दिया। बिटिया, बिटिया, अशोक बाबू गाड़ी के नीचे आ गए। अशोक बाबू नहीं, नहीं। भगवान, ये गरीबों का सहारा है, इसे हमसे न छीनना। भगवान के लिए आप मेरी दुनिया से हट जाइए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। बाबूजी को क्या हो गया, ये आंखें क्यों नहीं खोलते भगवान? क्या हुआ बतिया, क्या अशोक बाबू को देखने नहीं जाओ? नहीं, मैं नहीं जा सकूंगी। बाबूजी, बाबूजी। शोर न कर बेला, दिल से पुकार उसको। वो हमारी पुकार नहीं सुनता बाबू, वो गरीबों की पुकार नहीं सुनता। इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम लोगों ने मुझे खबर तक ना दी। हटो, मैं इन्हें अपने घर ले जाऊंगा। नहीं मालिक, हम अपने आप को बेच देंगे, मगर ऐसे मौके पर इन्हें पराए घर में ना जाने देंगे। तुम लोगों से इलाज ना हो सकेगा, मुझे ले जाने दो। अब आप तकलीफ ना करें, जो कुछ होना है यही होगा। अगर तुम लोगों की यही जिद है तो इलाज के लिए कुछ रुपया रख लो। इसकी जरूरत नहीं मालिक, 20 बरस की नौकरी में सिर्फ 2-20 ही रुपया जमा किया था। सोचा था बेला की शादी करूंगा, मगर चाहे बेला अब कुंवारी बैठी रहे, मैं वही रुपया बाबूजी पर कुर्बान कर दूंगा। जो कुछ भी बस में है कर गुजरो बाबू, नहीं तो लोग कहेंगे कि गरीब बेवफा होते हैं। मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ। अकेला पड़ा रहता हूं।
तुम मुझसे अजनबी बनकर मिले, बनकर मुझ पर छा गई। तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे तुम अच्छा कर सकती हो उषा, सिर्फ तुम अच्छा कर सकती हो उषा। उषा बाबू जी, मैं उषा नहीं, बेला। बेटा रोने की क्या जरूरत है, वैद्य जी ने यह दवा दी है, बाबूजी अच्छे हो जाएंगे। हाँ बाबू, दवा मिल गई, अब बाबूजी अच्छे हो जाएंगे, जरूर अच्छे हो जाएंगे। मोहब्बत करके पछताया, खुशी को लूट कर मेरी बताओ तुमने क्या पाया। किसी के दिल में रहना था, किसी के दिल में रहना था, तुम्हें दिया तुमने सहारा दे के आंखें फेर ली, ये क्या किया तुमने। किसी के दिल में रहना था, किसी के दिल में रहना था, तो मेरे दिल में क्यों आए बताई थी कोई महफिल, बताई थी कोई महफिल, तो इस महफिल में क्यों आए। किसी के दिल में रहना था, दोगे किसी के दिल में रहना था, किसी के दिल में रहना था, तो मेरे दिल में क्यों आए बसाई थी कोई महफिल, बसाई थी कोई महफिल, तो इस महफिल में क्यों आए। किसी के पहचानी किसी के दिल में रहना था, किसी के दिल में रहना था, तो मेरे दिल में क्यों आए बसाई थी कोई महफिल, बसाई थी कोई महफिल, तो इस महफिल में क्यों आए। मेरी दुनिया बदल गई,
बदल गई, दुनिया बदल गई, ऐसी चली हवा के खुशी दुख में ढल गई, दुनिया बदल गई। अशोक, सुबह से भाग दौड़ में लगे हो, मानेगा नाश्ता तो करो। कर लूं मैं, पहले ये सब इंतजाम ठीक कर। मुंशी जी कहां चले गए? ना जाने मुंशी जी कहां चले गए, पता नहीं साहब। ये क्या, पागल तो नहीं हो गए हो? सब घर पास, सब घर पागल, सब घर बैठी, सब घर दीवाना। मैं तो शीरी का हूँ दीवाना, ओ मैं तो शीरी का हूँ दीवाना, ओ मैं तो शीरी का हूँ दीवाना। शंभू जी, इसके दिमाग पर भी लड़की का असर पड़ गया। इनको ले जाओ यहाँ से, ना जानेंगे आज क्या कर गुजरेंगे। अच्छा, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। ओ मैं तो शीरी का हूँ दीवाना, ओ मैं तो शीरी का हूँ। मुबारक हो रानी, बारात तो बड़ी शानदार है। अरे वाह, दूल्हा तो इससे भी ज्यादा जोरदार होगा। आप लोगों को किसी चीज की कोई तकलीफ तो नहीं? जी नहीं। आइए आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए बैठिए। आपकी तारीफ। हाँ, ये उन्हें गाना सिखाते थे, बहुत अच्छा गाते हैं। सूरत भी अच्छी पाई है, न जाने कहाँ कहाँ जादू किया होगा। हाँ तो भाई साहब, कोई गाना सुनाइए। माफ कीजिएगा, आज मैं नहीं गा सकूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अजी, खुशी का नगमा ना सही, कोई गम का राग ही छेड़ दीजिए। मेरा मतलब यह है, आज से अच्छा मौका फिर कब आएगा? ये तो सच कहा, आज से अच्छा मौका और कब आएगा? अजी, देर किस बात की है, कुछ रहे क्या गाऊं?
अजी किसी से मोहब्बत अब्बत तो जरूर की होगी, कुछ वही सुनाइए। क्या मोहब्बत की जाती है? मैंने सुना हो जाती है। अशोक बाबू, आप इनकी बातों का बुरा ना मानिए, ये तो पागल है। हाँ, मगर गाने के लिए मैं भी आपसे दरख्वास्त करता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी इल्तिजा को ना ठुकराएंगे। अच्छी बात है, तो सुनिए। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। मेरा जीवन साथी बिछड़ गया लो, खत्म कहानी हो गई लो, खत्म कहानी हो गई। मेरा जीवन साथी बिछड़ गया लो, खत्म कहानी हो गई लो, खत्म कहानी हो गई। किस्मत ने किए वो दिल पे सितम, दो चाहने वाले मिल न सके। किस्मत ने किए वो दिल पे सितम, दो चाहने वाले मिल न सके। कहने को बहार आई थी मगर दो फूल खुशी के खिल ना सके। कहने को बहार आई थी मगर दो फूल खुशी के खिल ना सके। अरमानों का गुलशन उजड़ गया बर्बाद, जवानी हो गई लो, खत्म कहानी हो गई। के यहाँ सब हार गए, दुनिया में किसी की जीत कहाँ। दिल दे के यहाँ सब हार गए, दुनिया में किसी की जीत कहाँ। शिकवे किस्मत के वो प्यार भरे अब गीत कहाँ। होठों पे शिकवे किस्मत के वो प्यार भरे अब गीत कहाँ। जब खेल ही दिल का बिगड़ गया, हर बात पुरानी हो गई लो, खत्म कहानी हो गई। मेरा जीवन साथी बिछड़ गया लो, खत्म कहानी हो गई लो, खत्म कहानी हो गई। इसे भी लेते जाइए, मैं आपका तोहफा वापस कर रही हूँ, मगर आपने मेरा तोहफा खो। मोहब्बत में जीना, मोहब्बत में मरना, ना आंसू बहाना ना फरियाद करना, ये कविता आपने लिखी है ना? जी हाँ, कविता कल लिखी थी और माँ ने आज समझ में आया। आज इसकी कीमत मेरी निगाह में बहुत ज्यादा है, इसलिए कि कब ये सिर्फ एक कविता और आज ही गुजरे हुए दिल की दास्तान है। मैंने आपके कहने पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन जानती मेरे बाद आपका क्या हाल होगा। आपने आंसू रोक लिए, लेकिन दिल के तूफान को ना रोक सकेंगे। मेरी इल्तजा कि मुझे रुखसत करने के दो,
आप भी अपनी शादी कर लीजिए। शादी? जी हाँ, मैंने लड़की भी देखी, उसके नन्हे से दिल में आपके लिए मोहब्बत का संबंध छुपा हुआ है। अब ऐसा कौन? आप बेला को भूल रहे हैं। याद कर रहे? उसकी फितरत में शरारत है, मोहब्बत नहीं। गरीबों की मोहब्बत पहचानी नहीं जानी। अगर मुझे खुश देखना चाहते हैं तो बेला से शादी कर लीजिए, ये मेरी आखिरी इल्तजा है। आप चुप क्यों हो गए? जब तक वादा न करें मैं डोले में न बैठूंगी। जा रही है और दूसरी आने वाली है, एक दिन हम ससुराल चली और दूसरी जाने वाली है। बेला, ये क्या हो गया है मेरी बच्ची? बाबूजी, जल्दी चलो बाबूजी। बाबूजी कहाँ? बाबूजी को बुलाओ।
भगवान जाने वो आएंगे भी या नहीं। बेला आप आ गए। हाँ मैं आ गया। इसे क्या हो गया है बाबूजी? आपने तो कहा था बेला को धूमधाम से ब्याहूंगा। अपना फर्ज पूरा कीजिए, इसे वैसी ही दुल्हन बनाइए जैसी आपने कहा था। मैं वैसी ही दुल्हन बनाऊंगा, तुम जाकर गेट को मिला ला। जाओ जल्दी जाओ। जी चाहता है। अच्छे अच्छे कहने पर आप ही तो लाए थे मेरे लिए, भूल तो नहीं गए। आज प्रतिवर अपने हाथों से मुझे पहना दीजिए। अपने हाथ से मेरे बाल तो ठीक कर दीजिए। बाबू जी जरा गौर से देखिए, मैं दुल्हन मालूम होती हूँ ना? एक कसम और है, इसलिए छोड़।
खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। Let's go.